दोस्तों यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबा लें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज जिस भर्ती के बारे में हम बात करने वाले हैं वो निकली है डेस्क ऑपरेटर पोस्ट के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें मंगाए गए हैं, 766 टोटल वैकेंसीज है। डेस्क ऑपरेटर या स्टेनो के लिए बंपर भर्तियाँ निकली है। 18 से 35 वर्ष के बीच में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12,000 से 22,000 तक सैलरी मिल जाएगी। ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से इसमें आपका सिलेक्शन होगा। सभी 12th डिप्लोमा और डिग्री धारक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या इसका सिलेबस है, फीस डिटेल, रिजल्ट कब तक जारी होगा, एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड कर सकते हो, कितनी वैकेंसीज इसमें निकली है और कैसे इस पर अप्लाई कर सकते हैं, कब से कब तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए दोस्तों इसकी जानकारी देख लेते हैं। डेस्क ऑपरेटर पोस्ट है, 766 वैकेंसीज है। सभी 12th डिप्लोमा और डिग्री धारक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 वर्ष से 35 वर्ष तक एज है। 12,000 से 22,000 तक सैलरी दी जाएगी। फीस की बात करें तो ₹600 सामान्य अभ्यर्थियों के लिए है और अन्य अभ्यर्थियों के लिए ₹450 है। ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम के माध्यम से इसमें आपका सिलेक्शन होगा। डेट की बात करें तो 11 सितंबर 2018 स्टार्टिंग डेट है और लास्ट डेट 21 अक्टूबर 2018 है। ऑनलाइन करने का पोर्टल भी यहाँ पर देख सकते हो आप, jet-exam.com है। इस पोर्टल से आप ऑनलाइन कर सकते हो। दोस्तों हमारी वेबसाइट के इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर पहुँचने के बाद जैसे ही आप डिटेल्स एंड अप्लाई ऑनलाइन की टैब पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो वैकेंसीज का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप वैकेंसीज की डिटेल्स देख सकते हो। व्यू डिटेल की टैब पर क्लिक करने के बाद डेस्क ऑपरेटर या स्टेनो भर्ती 2018 का नोटिस है। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की डेट, पद का नाम, सैलरी, क्वालिफिकेशन, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, एप्लीकेशन फीस और महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले jet-exam.com पर लॉग ऑन करें। वेबसाइट पर वैकेंसी पेज पर क्लिक करें और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसे सिलेक्ट करें। उसके बाद अपना नंबर, जीमेल और जरूरी जानकारी डालकर लॉगिन करें और आईडी बनाने से पहले नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। अपनी जरूरी जानकारी डालें तथा अपने फोटो और हस्ताक्षर की प्रतियां स्कैन करके अपलोड करें। अंत में सेंटर सेलेक्ट करके तथा आवेदन का शुल्क नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या एमपी ऑनलाइन से जमा करा सकते हैं। आवेदन संबंधी जानकारी के लिए संपर्क करें। ईमेल यहां पर दी हुई है, exam@jet-exam.com। इस ईमेल आईडी पर आप संपर्क कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप अप्लाई नाउ की टैब पर क्लिक करोगे तो यहां पर आप देख सकते हो ऑनलाइन का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। अगर आपने इस पर पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको कैंडिडेट लॉगिन की टैब पर क्लिक करना होगा। अगर आपने इस पर पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन की टैब पर क्लिक करके पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा और बाद में ऑनलाइन करना होगा। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो सेक्शन दिए हुए हैं अबाउट अस, सिलेबस। सिलेबस के लिए आप जैसे ही सिलेबस की टैब पर क्लिक करोगे तो सिलेबस का ये पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो रीजनिंग, तार्किक योग्यता के 30 मार्क्स है, इंग्लिश लैंग्वेज के 30, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30, जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज के 35, कंप्यूटर नॉलेज के 25, टोटल 150 मार्क्स इसमें दिए हुए हैं। यहाँ पर सिलेबस आप देख सकते हो टॉपिक वाइज, लॉजिकल रीजनिंग के लिए 5 से 10 एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है, न्याय के लिए 5 है, ब्लड रिलेशंस के लिए 5 है, इनपुट आउटपुट के लिए 5, 0 से लेकर कोडिंग डिकोडिंग के लिए 5 है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के लिए 0 से 5 है, रैंकिंग या दिशा वर्णमाला के लिए 0 से 5 है, डाटा सुपेंसी के लिए 0 से 5 है, कोडिट असमानता के लिए 5 है, बैठने की व्यवस्था 10, फैली के लिए 5 से 10, तालिका बनाना 5, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप यहां से देख सकते हो। इसी तरह अलग अलग लैंग्वेज के लिए आप टॉपिक वाइज यहां से वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, नहीं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया स्टेप वाइज पूरा सिलेबस चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप रूल्स की टैब दी हुई है। रूल्स की टैब पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसमें पूरे आपको रूल और रेगुलेशन की लिस्ट मिल जाएगी। आप यहाँ से पूरे रूल चेक कर सकते हो। उसके बाद आप फी डिटेल्स भी यहाँ पर देख सकते हो। फी डिटेल्स की टैब पर क्लिक करने के बाद आपको पूरी यहाँ पर फी की जानकारी मिल जाएगी। जेट लेखपाल एग्जाम के लिए ₹600 है, डिग्री एग्जाम के लिए 600, डिप्लोमा एग्जाम के लिए 600, डिग्री एग्जाम के लिए जो ईयरली है हाफ ईयरली उसके लिए 600 है, हाफ ईयरली डिप्लोमा एग्जाम के लिए 600 है, ओबीसी एससी एसटी के लिए इधर 450 है सभी के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी जानकारी है कि कैसे कैसे आपको फीस जमा करनी है। सभी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, आसानी से आप फीस जमा कर सकते हो इनको रीड करने के बाद। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो रिजल्ट्स की टैब है, एडमिट कार्ड, वैकेंसीज, सभी के लिए आपको जानकारी यहीं पर मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं ऐसा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन इस रिक्रूटमेंट से मैच नहीं करती है उसके लिए आप डेली 4 गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर विजिट करके डेली 4 जॉब्स देख सकते हो और अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से किसी भी जॉब पर अप्लाई कर सकते हो।